नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आई हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं, सॉरी सर, बाल छोड़ो बेटी, अच्छे बच्चे बाल नहीं पकड़ते ना मम्मा को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्हैया जी और सारू जी, उनके बारे में और उनकी गोद भराई है 25 जुलाई को, और वो लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं मतलब आने के लिए दोस्तों। तो उसी के बारे में हम बताएंगे, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में बने रहिए, बाल छोड़ो ना बेटी। और दोस्तों अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। और दोस्तों कल मेरे भोलेनाथ का व्रत थे, तो इसके लिए हम आज वीडियो वीडियो भी शूट नहीं कर रहे थे और दिल भी नहीं कर रहे थे। बस कल रात को मैंने मंदिर में गए थे ना दोस्तों, तो वहाँ पर दूध पिलाए, अपने आप पी लेते भगवान जी दूध, मतलब महादेव जी ऐसे बोले जाते। तो हम लोग गए थे रात को, तो वीडियो शूट किए, तो इससे पहले वो ब्लॉग है तो आप सब ज़रूर देखना। तो हम कहना चाहते हैं, मेरी बेबी ना परेशान करने लगती थी, रोने लगती है ना बेटी। तो दोस्तों हम कन्हैया सालू से ये कहना चाहते हैं कि आप सब मुझे इनवाइट किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया ना। और मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अभी मेरी छोटा बेबी अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है, और पहले नंबर तो मेरा हस्बैंड नहीं है, और आपको पता है कि हम कहीं जाते नहीं हैं, हम घर में ही रहते हैं। और एक मैं घर की लेडीज़ हूँ, और मैं लव मैरिज करने के बाद भी मैं घर में सबकी सब चीज़ एडजस्ट करके और मैं घर में ही रहती हूँ, और हम कहीं नहीं जाते दोस्तों। अगर हम कहीं जाए भी मार्केट या डॉक्टर के पास, तो मतलब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मतलब जाते हैं ऐसे ज़रूरी के लिए, वो लोग भी जाते हैं, नहीं तो ऐसे कहेंगे कहीं घूमने उमने ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहीं से आपको ना ढेर सारे आपको गोद भराई की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके न्यू बेबी बहुत बहुत अच्छे से, भगवान करे बहुत अच्छे से आ जाए। और कोई ना, अगर हमारे हस्बैंड आ जाएंगे ना तो हम आपके बेबी होएंगे ना, तो आप इनवाइट करोगे तो पक्का आएंगे, बस ऐसे नहीं आए पे। और हमारे जितने भी दोस्त हैं सब आपको ढेर सारे बधाई देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।